तो दोस्तों, जैसा कि आप ये तीन फ्लावर देख रहे हैं, जिसमें से मैंने दो आपकी आंखों के आगे बनाया, मैं एक और आपको बनाने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको और बेटर समझ में आ जाए कि आप लोग अगर इसको डिफरेंट तरीके से भी बनाना चाहें तो इसको अलग अलग स्टेप्स में भी बना सकते हैं। इसको अलग अलग स्टेप में बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे कुछ पेपर डिफरेंट डिफरेंट कलर के। एक चाहिए होगा ब्लू, एक मैंने यूज़ किया रेड। इसमें इन दोनों पेपर को मैं इस शेप में कटिंग करूँगा, जिससे कि देखने में लगे फ्लावर टाइप का, जो कि एक मैंने पहले से कटिंग कर रखा था। और ये रेड कलर का जो पेपर है, मैं आपके सामने काट के दिखाने वाला हूँ। आप ये देख सकते हो, मैंने ये फ्लावर कटिंग कर दिया है आप लोगों के आगे, एक रेड कलर का और एक ये ब्लू कलर का। इसमें आपको दोस्तों ध्यान रखना है, दो पेपर मैंने जो यूज़ किया है, इसमें जो पेपर ऊपर रहेगा उसकी कटिंग छोटी रखना और जो पेपर नीचे रहेगा उसको बड़ा रखना। इससे क्या होगा, आपका छोटा और बड़ा कॉम्बिनेशन बना रहेगा तो आपका फ्लावर का कलर अच्छा दिखेगा। अब आइए आगे का प्रोसेस देखते हैं। जैसा कि आप सभी ये पतली सी डंडी बनाना जानते ही होंगे, लंबी सी पेपर से इसको रोल करके फेविकोल लगा के आपको स्टिक कर देना, और कुछ नहीं, सिंपल सा ये। उसके बाद में नीचे आपको बनाना होगा एक बेस। बेस के लिए आपको एक लंबा सा पेपर चाहिए होगा, जिसके ऊपर में आप ये पूरा का पूरा टिकाओगे। तो ये बेस बनाने से पहले इसमें थोड़ा सा फेविकोल लगा देना, जिससे कि ये चिपके नीचे नीचे, मतलब कि इसके बेस के नीचे तरफ। जब आप ये नीचे का बेस बना रहे होंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे जो बेस रहेगा उसको इक्वली रखना है, इसको इक्वल रखना है, जिससे कि ये स्टैंडिंग के टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। और अगर आप इसको ऐसे ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा कर दोगे तो फिर ये नीचे खड़ा नहीं होगा सीधा। अभी मैं इसको रोल करके फिर आपको दिखा देता हूँ कैसे परफेक्टली रोल होना चाहिए। इस तरीके से आप इसको नीचे से रोल करना है, आपको पूरा ये इक्वल होना चाहिए, जिससे कि ये जब आप टेबल पर ऐसे खड़ा करोगे ये इक्वली खड़ा हो जाए। ठीक, अब ये रोल होने के बाद में जो इसका लास्ट वाला पीस है, यहाँ पे हम फेविकोल लगा के इसको पेस्ट कर देते हैं, जिससे खुले ना। अब आप देख सकते हो ये पूरा अपने दम पे खड़ा है, इसको कोई सपोर्ट की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। अब इसको हम लोग सूखने के लिए थोड़ा साइड में रख देते हैं, और जब तक हम अपने जो पेपर फ्लावर हमने कट करा था, इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से इसमें होल किया है, जिससे कि मैं अपने इस स्टैंड के ऊपर में इसको होल्ड कर सकूं। इस तरीके से आप इसमें देख रहे होंगे होल काफ़ी बड़ा है और स्टिक का आगे का वो काफ़ी छोटा है। तो ये बता देता हूँ मैंने होल किस लिए बड़ा किया है। आप जैसा कि मेरे बाकी फ्लावर्स स्टैंड में देख रहे होंगे, ये ऊपर में आपको कुछ दिख रहा होगा कटा कटा खुचरा सा, ये चीज़ लगाने के लिए हमको इसमें बड़ा सा होल करना होगा। ये जो ऊपर में मैं ऑरेंज कलर का बनाया है, वो मैं इसके बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा पेपर यूज़ करता हूँ, ये इस तरीके का पेपर। मेरा ये पेपर काफ़ी मोटा है तो मैं इसको पहले से ही कटिंग कर ले रहा हूँ। इसको दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, इसको रैप करते के साथ ही आपको पेस्ट करना होगा, ना तो ये खुल जा रहा है मेरा बार बार, इसलिए थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत हो रही है बनाने में ये। जैसे ही रैप होगा इसको तुरंत आप यहाँ पे फेविकोल लगा के इसको पेस्ट कर देना, जिससे कि आपका रोल खुले ना। ये देखने में कुछ इस तरीके से लगेगा, कोई खास नहीं लग रहा देखने में,
फिर आपको लेना है जो आपका सबसे बड़े साइज का फ्लावर था उसको इसके अंदर डाल देना है, फिर जो सबसे छोटे साइज का था उसको उसके ऊपर डाल देना है। ये लीव्स को मैंने बनाने के लिए आपको बता देता हूँ, मैंने एक बड़े से पेपर में से ये छोटे से पतले पतले रोल काटे, पतला सा रोल करके आपको इसको पेस्ट कर लेना है। और ये पेस्ट करने के बाद में आपको जो भी आपने अपना फ्लावर बनाया है ये जब आपका इस तरीके से ऊपर में सूख जाएगा, तो जो आपने कटिंग कर रखी थी ऊपर की साइड में, आपको इसको ऐसे फिंगर से सिंपली इसको ऐसे से बिखेर देना है। जितना बुरी तरीके से आप बिखेर पाएं उसको, उसमें कोई लिमिट नहीं है, बट इतनी बुरी तरह मत बिखेर देना कि निकल के नीचे से पेपर हाथ में आ जाए। इसको ऐसे बिखेरने के बाद में आप देखिए, ये देखने में अच्छा लग रहा होगा। अब सिंपल सा हमको करना ये है, अपने जो ये फ्लावर के लिए जो हमने लीव्स बनाई थी इसमें लगाना है ग्लू, और ये परफेक्ट हाइट देख के वहाँ पे हमको ऐसे कर देना है पेस्ट। अब आप दोस्तों देख सकते हो मेरा काफ़ी प्यारा सा एक फ्लावर, पेपर फ्लावर तैयार है। हम लोग इसको अपने घर में रख के इसको अपना डेकोरेशन कर सकते हैं, कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी, आपके स्टडी टेबल हो, टीवी के ऊपर हो, आप इसको आराम से रख के अपना घर सजा सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों, जैसे कि अगर आप अपने घर में इसे परमानेंट फिक्स रखना चाहते हो, हमेशा के लिए, हिलाना नहीं है, एक ही जगह पर रखना है, तो आप सिंपली इसको ले सकते हो और नीचे हल्का सा ग्लू लगा के डन। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।